về ăn đi chứ. Join castle. Hello. 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 Namaste. मैं भावना आया गुजरात राजकोट से हूँ. आज मैं दुनिया की सबसे बड़ी लार्ज अमूल लाइव रेसिपी में आप सबका स्वागत करती हूँ. इस अमूल लाइव रेसिपी में मुझे मौका देने के लिए मैं तो सबसे पहले दीपा मैम, कवि निधिता मैम और स्मिता तन्ना जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ. तो इसने मुझे दोबारा मौका दिया है, मैं उसका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ. आज मैं एक स्टार्टर बनाने जा रही हूँ. मेरा स्टार्टर है पनीर कबाब. वो रेसिपी तो एकदम सिंपल और सरल है मगर टेस्ट में बहुत ही टेस्टी है. गजब का लाजवाब टेस्ट है उसका. तो चलो हम देख लेते हैं पहले इसका इंग्रेडिएंट. तो सबसे पहले पनीर, पनीर को मैंने ग्रेट कर दिया है. 200 ग्राम पनीर है, चीज है उससे आधा 100 ग्राम चीज लेना है, प्याज, मिर्ची, अदरक और लहसुन इसको भी चॉप कर लिया है, एक कॉर्नफ्लोर है, एक मैदा है, एक मरी पाउडर है, ओरेगानो है, ए चिली फ्लेक्स है, ए धनिया है. और ब्रेड क्रम्स के बजाय मैंने अपनी जो रोटी बनाते हैं रोटी का मैंने क्रम्स कर दिया है. रोटी क्रम्स बनाया है मैंने, ब्रेड क्रम्स की जगह मैंने रोटी क्रम्स बनाया है. तो हम पहले रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं. मैं हमेशा मेरे घर में अमूल का ही सब प्रोडक्ट मेरे घर में आता है क्योंकि आजकल इतना सब कुछ इतना नकली मिलता है और सिर्फ अमूल ही है ऐसी प्रोडक्ट है कि जो हमको देता है शुद्धता का वादा. अमूल है तो पूरे का पूरा 100% शुद्ध है. अमूल में कोई भी मिलावट नहीं आती. ए ओरेगानो, ए मरी पाउडर, ए चिली फ्लेक्स और ये नमक हम स्वाद अनुसार डालना है क्योंकि चीज में भी नमक होता है, इसलिए हमें संभल कर नमक को डालना होता है. और ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है बाइंडिंग के लिए और 2 चम्मच मैदा लिया है. इसका हम ऐसे आटे की तरह उसको गूंद लेंगे पहले. ये 200 ग्राम पनीर और 100 ग्राम चीज डाला है, इसमें आराम से 25-30 कबाब बन जाते हैं. और एक तो पनीर हेल्दी है हमारे लिए, कैल्शियम का स्रोत है और चीज तो हर बच्चे लोग को पसंद होता है. ये पनीर कबाब आप एक बार बनाओगे तो बार बार बनाओगे क्योंकि सभी बच्चे बूढ़े सबको ये पनीर कबाब सबको पसंद आता है और एकदम सरल रेसिपी है, कोई झंझट ही नहीं, आराम से बन जाता है. ये हमारा हो गया डो. ये हमारा डो बन गया. बताओ
अभी क्या करने वाले हैं हम लोग? अभी हम पनीर कबाब बना रहे हैं। तो पहले हम ये पनीर ये कबाब को हम बनाएंगे। ये ये मैंने मैदे की स्लरी बनाई है। मैदे की स्लरी में उसको डिप करेंगे और ये रोटी क्रम्स में कोटिंग करेंगे। तो पहले हम कबाब बना देते हैं। देखो ऐसे आराम से इजीली बन जाता है कबाब। हमने तेल भी चढ़ा दिया है फ्राई करने के लिए। ये स्टार्टर आप पार्टी में बना सकते हैं। और कभी कभार हमारे गुजरातियों में तो फरसाण की सबको आदत ही होती है। कोई गेस्ट आए तो फरसाण तो होना ही होना होता है। तो हम ये फरसाण में भी ये चल सकता है आराम से, क्योंकि इतना इजी है, इतना सरल है, आराम से हो जाता है। और हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसका हम ये बना के कोटिंग करके फ्रिज में रख दे तो बाद में सिर्फ डीप फ्राई करना पड़ता। इसको पहले हम इसमें डिप करेंगे, स्लरी में डिप करेंगे, बाद में रोटी क्रम्स में ऐसे ही ये चम्मच की मदद से करेंगे तो हमारा हाथ भी नहीं बिगड़ेगा और ऐसे आराम से कोटिंग हो जाएगा। ये ना फ्रेंड एकदम इजी रेसिपी और स्वाद में तो आप सच्ची में सुपर डुपर बनती है ये। मेरे घर में तो अमूल का ही सब प्रोडक्ट अमूल का ही यूज करती हूँ, चीज बटर। और पनीर कितनी रोटी का क्रम्स बनाया है? ये तीन रोटी का बनाया है मैंने। तीन रोटी का क्रम से आराम से हो जाता है। और ये स्लरी बनाने के लिए कितना दो चम्मच मैदा लिया, दो चम्मच मैदा लिया और इसमें मैंने नमक और मरी पाउडर डाला है। तेल आ गया है तो हम डीप फ्राई करते हैं।
एक जो थोड़ा बाकी है वो कर लेते हैं हम, पूरा अधूरा पूरा कर लेते हैं। ये क्रिस्पी भी इतना अच्छा होता है ब्रेड क्रम्स से, ये रोटी क्रम्स आप करोगे ना तो ये ज्यादा क्रिस्पी होता है, रोटी क्रम्स ज्यादा क्रिस्पी होता है। इसको कितना दिन कितना देर तक फ्राई करना पड़ता है? ये ब्राउन ब्राउन हो जाए तब तक ब्राउन करना पड़ता है इसको। ब्राउन देखो कलर आने लगा है, ब्राउन कलर। देखो कितना प्यारा कलर आने लगा है ना, मैं आपको इसकी क्रिस्पीनेस भी दिखाऊंगी। सबके मुंह में पानी ये चीज ही ऐसी है, पनीर और चीज सबको पसंद होता है। ये हम दूसरा बैच भी फ्राई कर ले। सब लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझे पूछना, मैं बाद में आप सबको जवाब दूंगी। कोई भी क्वेरी है तो पूछ लेना मुझे को।
इसमें प्याज, हरा धनिया, इसकी वजह से, और लहसुन, इसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। पूछ रहे हैं कि ये हम बर्गर की टिक्की में यूज कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, बर्गर की टिक्की में भी आप यूज कर सकते हैं। मैं बर्गर की टिक्की में तो रोटी क्रम से करती हूँ, मगर पनीर चीज भी आप डाल सकते हैं इसमें भी, बर्गर की टिक्की में। मैं कभी कभार पनीर डालती हूँ बर्गर की टिक्की में, मगर ब्रेड क्रम्स की जगह तो मैं हर बार ये रोटी क्रम से करती हूँ। जब ये बनाना होता है तब मैं रोटी ज्यादा बना लेती हूँ दोपहर में, आराम से हो जाता है। ये चार पांच रोटी हो तो हमारा पूरा घर आराम से सबका हो जाएगा। देखते हैं ना आप लोग कितना ब्राउन अच्छा हो गया, एकदम बढ़िया। हमारा दूसरा लोट भी हो गया, देखो। और आप सबको क्रिस्पीनेस दिखाती हूँ, चलो आओ। आवाज सुनाई पड़ती है आप सबको? आवाज आती है ना, एकदम क्रिस्पी है। ये हमारा बन गया चीजी चीजी पनीर कबाब। आइए और टेस्ट कीजिए, देखिए ये अमूल की सब प्रोडक्ट के साथ पनीर और चीज। नमस्कार, आप सबका मेरा बहुत बहुत, मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ। आप सभी ने मेरी ये रेसिपी देखी और सुनी और मुझे को प्रोत्साहन दिया, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार करती हूँ। धन्यवाद।